और सीएम के जो भी हमारे सामने आए थे उनसे डायरेक्ट हमारी वार्तालाप हुई कि हमारे जो भी एस्मा की जो भी कार्रवाई करेंगे वो सब हटा लिया जाएगा और उनकी एक टीम बनी है। शासन को उनसे कुछ दिन का टाइम मांग रही है क्योंकि जो हम ग्रेड पे थे हमारी अभी जो मुख्य मांग थी जिसके लिए लड़ रहे थे उसने शासन हमसे टाइम मांगा 45 डेज का। 45 डेज में वो अपनी पूरी रिपोर्ट हमें सौंपेगी और बताएगी कि हम इस पर क्या कर सकते हैं और जो भी हो हमें पूरा श्योर किया है कि हम अपनी पूरी बातें सुनेंगे और पूरा जो भी हम आप जो भी मांग कर रहे हैं उस पर हम अपनी सहमति देते हैं और जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके हम उसको पूरा करें। अभी आगे क्या प्लान कर रहे हैं मैडम आप लोग? प्लान अब 45 डेज का हमसे शासन टाइम मांगी है तो हम टाइम जरूर देंगे। शासन को अगर हमको श्योर करी है शासन तो आप लोगों को तोड़ने की कोशिश की डराने की कोशिश की गई प्रशासन द्वारा बता पाएंगे कुछ ऐसा हुआ है? देखिए जैसे हर आंदोलन में होता है वो तो चलता है ऐसा कुछ हम पर जबरदस्ती कुछ नहीं किया। खाने पीने की बहुत सारी दिक्कतें हैं अंदर बाथरूम का पानी आप लोगों को दिया अब जेल की स्थिति आप लोग सब जानते हैं जेल में तो कोई आराम करने जाता नहीं है जेल जेल ही होता है तो उसके लिए अलग से क्या तकलीफ हुई अंदर? तकलीफ मैंने जेल की जो स्थिति रहती है वही है अब अलग से क्या बताएं हम आपको जेल की जो भी स्थिति रहती है वही है।